तो भैया आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। मैं मनीष सुराना हूँ, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष दंतेवाड़ा से। जी जी, अभी भैया चुनावी माहौल आप देख रहे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं और बीजेपी भी सरकार बनाने की बात कर रही है, कांग्रेस भी कह रही है, तो इसको देखकर आप क्या कहते हैं भैया? देखिए, इसका जवाब जनता कांग्रेस वालों को देगी, क्योंकि इनके जो 5 साल के कुशासन थे, 5 साल में इन्होंने जितने भी अपने चुनावी पहले गंगा जल लेकर कसम खाए थे, 36 वादे किए, उसमें से इन्होंने कुछ भी पूरा नहीं किया। ये खाली बस एक ही ढकोसला लेकर जा रहे हैं किसानों का कि हमने किसानों के कर्ज माफी भी करी। भूपेश बघेल ने अपने परिवार वालों का 64 लाख रुपया कर्ज माफ किया। हमारे यहाँ बस्तर में गरीब किसान है जो 20,000-50,000 रुपया जो कर्ज लेता है, उन लोगों का किसी का भी कर्ज माफी नहीं हुआ। ये किसान सब समझ गए हैं कि कांग्रेस के ये भूपेश बघेल सिर्फ बोलता है, करता कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ के किसान, यहाँ के युवाओं को 2500 रुपए देंगे बोले थे, किसी भी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, ये युवा भी इनको जवाब देंगे। ये बिल्कुल इस चुनाव में कांग्रेस वालों को पता चलने वाला है कि वो कितने पानी में। अभी जैसे बघेल जी ने कर्जा माफ का ऐलान कर दिया है, उसके बाद तो कर्जा माफी का ऐसा है कि इन्होंने पिछले बार भी ऐलान किया था। इन्होंने कितने का किया? सिर्फ अपने परिवार का, अपने कुछ कांग्रेसियों का ही इन्होंने कर्जा माफी किया। बाकी हमारे यहाँ के किसी भी छोटे किसानों का कर्जा माफी नहीं किया। अभी जैसे भी आपने देखोगे, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो कहते हैं कि जो बीजेपी को वोट देता है वो राक्षस प्रवृत्ति का है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये इनकी छोटी सोच बोलना चाहिए। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, रामगमन पथ में राम जी की बात करते हैं, वही उनके पिताजी राम जी को राक्षस बताते हैं। ये तो हिंदू समाज सब समझने लगा है कि ये बाप बेटा, बेटा कुछ बोल रहा है, बाप कुछ बोल रहा है, इससे तो सभी समझ रहे हैं। और इसका जवाब बिल्कुल मिलेगा और इनको पता चल जाएगा बीजेपी वाले भक्चस हैं कि क्या है ये, इनको जवाब जनता देगी। जी जी, अभी आपने देखे होंगे 15 साल शासन बीजेपी ने किया है, कुछ कमी रही होगी, तब कांग्रेस सरकार, उनने अभी 5 साल सरकार बनाया है, तो ये डेवलपमेंट अभी दंतेवाड़ा नहीं। देखिए, 15 साल बीजेपी ने विकास किया है। अच्छा, यहाँ पर जी जी। और 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, जी जी, यहाँ के जो खनिज संपदा जहाँ से निकलती है, उन्होंने सीधा ऐलान किया कि जहाँ से खनिज संपदा निकलती है उस जिले को वहाँ के 30% उस जिले में ही विकास कार्यों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, जल के लिए, ये सारे चीज़ों के लिए खर्चा किया जाएगा। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले आप 2014 से पहले आप रिकॉर्ड भी निकाल सकते हैं कि ये 3% मास CSR मत के नाम से देते थे और कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। 15 साल तो हमने विकास किया ना, आप यहाँ के एजुकेशन हब को देख लीजिए, जिसमें शिक्षक के लिए यहाँ एजुकेशन हब खोला, और जो बच्चों के माता पिता नहीं है तो उन लोगों के लिए यहाँ पर पहले प्राथमिकता दी जाती है और गरीब बच्चों को वहाँ पढ़ाया जाता है। 5,000 बच्चे आज पढ़ रहे हैं एजुकेशन हब में। 5 साल में क्या ये कांग्रेस के एक भी मंत्री वहाँ झांकने तक नहीं गए? अच्छा, कि ये किस स्थिति में कैसा है? जब से कांग्रेस सरकार बनी है 72 स्थिति बना के रख दी है उसका। जी जी, तो अभी कुछ ही दिन बचे भैया, ऐसे जमीनी स्तर में आप किस प्रकार से युवा यूथ लीडर लोग को लेकर अभी जनता तक पहुँच रहे हैं भैया? हम लोग जनता के पास सिर्फ जो सही है, हम जो वादा करेंगे वो सच्चाई का वादा करेंगे, जो हम पूरा कर पाएंगे। जी जी जी। हम सारे लोग जनता के बीच में हम सिर्फ यहाँ के विकास को लेकर बात कर रहे हैं। जी जी। और आज DMF मत में जो भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पर, जी जी। क्योंकि जो बिल्डिंग 60 लाख में जो बनाई गई, जी जी जी। जिसमें इन्होंने संस्था का नाम परिवर्तन कर दिया, उसमें रिपेयर के नाम से इन्होंने 65-65 लाख रुपए निकाला। जी जी जी। और यहाँ पर जितने भी स्वास्थ्य सुविधा में जो कमी आई है, यहाँ के कई डॉक्टर जो है सैलरी नहीं दे पा रहे थे लोग, और वो कई डॉक्टर जो यहाँ छोड़ के चले गए, यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमराई हुई है। जी जी। गीदम के बस स्टैंड में है और यहाँ पे एक चुनावी माहौल सिलसिला जानने के लिए बात करेंगे। अभी बीजेपी के नेतागण से बात की है, अभी कांग्रेस के भाई लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि अभी विधानसभा चुनाव में क्या ऐसी बात रखते हैं और सत्ता पक्ष में क्या एक रुझान रहती है। तो भैया आपका नमस्कार, आपका शुभ नाम जाना चाहूँगा। मेरा नाम जोगराज बुरड़ है, मैं यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव हूँ छत्तीसगढ़ यूथ। तो अभी जैसे भैया कुछ ही दिन बचे हैं और ज्यादा दिन की बात नहीं है, लेकिन चुनावी माहौल, चुनावी विजय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे भैया? विकास, विश्वास और सुरक्षा, जी जी, इन तीन नामों पे हाँ। इस बार छत्तीसगढ़ की जनता जी जी। कांग्रेस की सरकार को वापस से वोट देने जा रही है। हाँ। आप सभी ने देख रहे होंगे जी जी। कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है हाँ। ये जो 5 साल, इन 5 सालों में छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए हाँ। यहाँ की संस्कृति के लिए, यहाँ के आदिवासी भाई बहनों के लिए हाँ हाँ। सारे समूह के लोगों के लिए, सभी वर्गों को साधने की कोशिश कांग्रेस की सरकार ने किया है। चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे मजदूर हो हाँ। चाहे महिला हो, चाहे व्यापारी हो, हर किसी को साधने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। इसी के नाम पे, विश्वास के नाम पे, विकास के नाम पे हम लोग फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पुनः बनाने जा रहे हैं। अभी जैसे मैं सर्वे किया, बहुत लोग बता रहे हैं डेवलपमेंट में जो 15 साल में हुई है 5 साल में नजर नहीं आ रहा है,
वैसे क्या खामियां रही भैया जो लोग ऐसा बात कर रहे हैं? जो छत्तीसगढ़ में पूर्व में 15 साल रमन सिंह ने जो राज किया, उन्होंने सिर्फ बिल्डिंग निर्माण करके उससे विकास नहीं होता है, विकास उससे होता है कि किसी व्यक्ति की, किसी छोटे इंसान की, छोटे मजदूरों की, उनकी आय बढ़नी चाहिए, उनका परिवार ऊपर जाना चाहिए। वही भूपेश बघेल की सरकार ने किया है कि लोगों के जेब पे पैसा पहुंचा है, उन्होंने लोगों को मजबूत किया है। लोग रोजगार के माध्यम से भूपेश बघेल ने गांव-गांव में रिपा जैसे छोटे छोटे लघु उद्योग लगा के, आप देख रहे होंगे दंतेवाड़ा की नगरी में आप खड़े हो, यहाँ पे 6 डेनेक्स फैक्ट्री है। मुझे नहीं लगता कि पूरे देश भर में किसी ग्राम पंचायत में कोई डेनेक्स की फैक्ट्री होगी जहाँ पे महिलाएं आज सिलाई का काम कर रही है और उनके कपड़े देश के पूरे कोने कोने पे जा रहे हैं। ये हमारा विकास है। आपने देखा होगा भैया, अभी बेरोजगारी के नाम से युवा जो में नाराजगी है, बेरोजगारी भत्ता की बात की थी 4 साल निकलने के बाद, अभी कुछ ही महीने में बेरोजगारी भत्ता दिए हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा, जब देश कोरोना से लड़ रहा था और उस समय भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराया, कहीं ना कहीं माध्यम से बेरोजगारी भत्ता कम मिला, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कोशिश की। और उसके बाद हमने जो 5 साल में वादा किया था, 2 साल तो कोरोना में निकल गया और कुछ लोकसभा चुनाव और उपचुनाव ऐसे करके कुछ चुनावी साल में निकल गए, उसके बाद भी सरकार ने बेरोजगारी भत्ता युवाओं से जो वादा किया था उसको हमने पूरा किया है। भूपेश बघेल ने जो जो वादे किए, कांग्रेस की सरकार ने जो जो वादे किए, वो सारे वादे पूरे किए। जबकि बीजेपी की सरकार ने जो वादा किया था बोनस देने का 2100 रुपए, उन्होंने वो दिया भी नहीं। 15 साल में वो नहीं दिया, हमने तो 3 साल में कोरोना जैसे काल में निकालने के बाद भी 3 साल में हमने सारे वादे पूरे किए। भैया आपका सुनना जाना पाऊंगा। शंभू यादव, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी से। तो भैया आप यूथ लीडर के लिए क्या बोलना चाहेंगे, जो कांग्रेस की रणनीति भी देखे बेरोजगारी भत्ता के लिए, 5 साल की बात की थी, 4 साल तक तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं स्थानीय मुद्दे पे बात करूंगा। दंतेवाड़ा जिला में जो DMA फंड था उसका पूरा मुख्यमंत्री अपने पास रखे, तो हमारे जो यहाँ पे लक्ष्य की कोचिंग चलती थी और हमारा एजुकेशन जाऊंगा मैं अपना, तो 1000 VPO कॉल सेंटर था, उसमें 1000 युवाओं को रोजगार दिया था हमारे भाजपा की सरकार में, उसमें जैसी कांग्रेस की सरकार आई सारी रोजगार को छीन ली। अच्छा। और जिससे हमारे और हमारे पास युवाओं को कोई रोजगार का वो साधन उपयोग नहीं कराया। हमारे सरकार के समय किसानों के लिए मोचोवाड़ी योजना भी था और डेयरी फार्म जैसे किसानों के लिए हमारे सरकार में बहुत सारी ऐसी मूल सुविधाएं उपलब्ध कराई जिससे उनका रोजगार का साधन बनता था। तो अभी जीत की माहौल क्या लग रही है, कितना वोट से, जैसे अभी देखे होंगे मंडावी जी का निधन होने के बाद उपचुनाव में कर्मा जी का जो जीत हुआ था, इस बार आप लोग क्या माहौल बना रहे हैं, युवा जोश के बीच क्या लेके जा रहे हैं? देखिए हमारी माहौल अच्छी है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे एक एक कार्यकर्ता एक एक नेता हर बूथ पर, चाहे जैसे भी क्षेत्र हो, अति संवेदनशील क्षेत्र हो, हर एक बूथ पर अच्छा से कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से अपन जीत रहे हैं इस सीट को। जी भैया आपका नाम जानना चाहूंगा। जी मैं शैलेश अटामी हूँ, मंडल का महामंत्री हूँ। जी अभी भैया जैसे अपन बस्तर संभाग ये दंतेवाड़ा सब्जी को नसरीका के नाम से जाना जाता है, लोगों में वो दहशत रहता है, तो अभी 15 साल शासन में बीजेपी ने किया, 5 साल कांग्रेस सरकार ने, तो नक्सल मुक्त के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, केंद्रीय मंत्री जी ने कहा है कि दंतेवाड़ा नक्सल मुक्त हो, तो लेकर क्या कह रहे हैं? तो बिल्कुल नक्सल मुक्त होना चाहिए। जी जी ये तभी संभव है यहाँ की प्रदेश सरकार जी शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने काम करे। जी जी और गांव तक सड़कों का जाल तो जाना ही चाहिए। लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए आप सबको नौकरी तो नहीं दे सकते हैं। जी जी अभी जो रमन सरकार यहां के DMF के जो पैसा हम किसानों के लिए जो मोचोबाड़ी बोरवेल वगैरह चालू किया था, इन लोगों ने बंद किया और तो तत्कालीन भूपेश सरकार इसको चुनावी फंड के रूप में अन्य राज्यों में पर्यवेक्षक बन के इसको पैसा खर्च करने काम कर रहे हैं। अभी इस भाई साहब ने कहा कि महिलाओं को ये लोगों ने क्या रोजगार बढ़ा, अभी कई महिलाएं मेरे संपर्क में हैं, इन लोगों का लगभग 2.5 करोड़ रुपया सुपोषण योजना के नाम से अभी तक भुगतान नहीं किया जा रहा है। इनके जो प्रशासनिक लोग है वहाँ भेज रहे हैं, बेचारी हमारी बहनें अनपढ़ हैं, वो लोग कुछ नहीं जानते हैं, ये लोगों ने कुछ नहीं, यहाँ के DMF को पूरा प्रदेश सरकार में ले जाके चुनावी फंड के रूप में भूपेश बघेल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का ATM के रूप में काम करने का यहाँ की प्रदेश सरकार किया है। जी जी थैंक यू भैया। भैया आप अभी हम लोग ये देख रहे हैं भूपेश बघेल की सरकार ने जो वादा किया, जो घोषणा पत्र में था, जी जी वो 2 साल कोरोना रहने के बावजूद भी पूरे वादे
हुए भूपेश बघेल की सरकार में, जैसे धान 2500, कर्जा माफी, बेरोजगारी भत्ता हो, भूमि मजदूरी हो, टोटल मतलब लगभग काम पूरा किया है भूपेश सरकार ने। और जो घोषणा पत्र किया था उसको पूरा निभाया है, वही मुद्दा लेके हम वापिस जनता के बीच में जा रहे हैं और सरकार वापिस बना रहे हैं। जैसे अभी फिर से एक कर्जा माफ वाली बात हो गई, जैसे रमन सिंह ने 54 लाख का जो 15 साल शासन किया है, क्या ये कर्जा माफी वाला फिर से चुनावी माहौल तो नहीं रहेगा? नहीं, देखो भूपेश बघेल की सरकार ने पहले 2500 बोला और 2500 दिया है, और कर्जा माफी बोला, कर्जा माफी किए हैं, अभी घोषणा पत्र में 3300 रुपये धान है, तो 3300 फिर देंगे और फिर कर्जा माफ करेंगे। हमारी सरकार बन रही है और हम लोग करेंगे, जो वादा किए वो पूरा करती है भूपेश सरकार। गांव-गांव और आदिवासियों का उत्थान के लिए भी भूपेश सरकार ने सब कुछ किया। आज तक 15 साल तक रमन सिंह की सरकार ने रहा, कोई गांव में आदिवासियों का कुछ नहीं हुआ। और देश की आज़ादी के बाद से, मतलब ये 15 साल जब ये छत्तीसगढ़ अलग बना, भूपेश सरकार ने गांव-गांव देवगुड़ी आदिवासियों के लिए बनाई। बाकी कोई सरकार तो इसमें इंटरेस्ट पहले ली नहीं, ये आदिवासियों को ऊपर उठा रही भूपेश सरकार। और ये आदिवासी क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है, और यहाँ वापिस कांग्रेस की गवर्नमेंट भी बन रही है और कांग्रेस का विधायक चुन के जा रहा है। भैया आपका सुनना जाना चाहूँगा। रवि सुराना। जी जी, तो भैया आप जैसे क्या कहेंगे, जब भी दोनों यूथ लीडर है, अभी कर्मा जी के शहीद होने के बाद उनके लड़के को जो टिकट मिला उपचुनाव में जीत के आया, इस बार कितनी वोटों से जीत के आ रहे हैं? इस बार तो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, कम से कम 20,000 वोटों से जीत था। जी जी, तो ऐसे उनमें अभी उपचुनाव में अपन विधायक बनने के बाद क्या कार्य किए हैं जिनको फिर से चुन के लाना पसंद करेंगे लोग? यहाँ से हमारे क्षेत्र में बहुत सारे कार्य हुए हैं। सबसे पहले तो आपका जो डेनेक्स है हमारा महिलाओं के लिए, जी, वो एक अपने आप में ही एक ब्रांड है, जिसमें कम से कम 6-8 फैक्ट्रियां हैं, जिसमें कई सारी महिलाएं, क्योंकि कई महिलाएं ऐसा परिवार ऐसा होता है जो निःशक्त होता है, परिवार में हस्बैंड नहीं है, तो उन सभी परिवार को मजबूत करने के दृष्टिकोण से जो कार्य किया गया है ना, ये बहुत ही मजबूत कार्य है। और ऐसे मतलब कई सारे रोजगार मूलक कार्य हमारे जिले में बहुत सारे हुए हैं। तो भैया यहाँ पे जैसे हम बोलेंगे शिक्षा व्यवस्था को लेकर, मेडिकल को लेकर, ऐसे बहुत चीज की व्यवस्था की कमी है बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं मानूंगा कि मेडिकल के क्षेत्र में जो पिछले 15 साल में रमन सिंह सरकार ने भी कुछ नहीं किया था, बहुत बुरी स्थिति थी। कम से कम हमारे भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा की हमारे लिए, मतलब जो पिछड़ा क्षेत्र या नक्सली घटनाएं, कई सारी घटनाएं घटती हैं और उनको एयरलिफ्ट करना पड़ता था एम्बुलेंस के भरोसे में था, जो आज यहाँ मेडिकल कॉलेज दे करके उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दी है कि पूरे क्षेत्रवासी, मतलब हमारा क्षेत्र धन्य हो गया। अब वो जैसी सरकार यदि बनती है तो उस मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ होगा और क्षेत्र को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। जी जी, अभी आपने देखोगे भैया बस्तर संभाग और जो सरगुजा संभाग में बीजेपी प्रचित हो गई है, इस बार ऐसा पिछले बार जैसा दोहरा पाएंगे कांग्रेस सरकार? अभी कांग्रेस बिल्कुल रिपीट करेगी और एक तरफा बहुमत से जीतेगी। जी जी, थैंक यू अंकल जी। आप भी एक बार थोड़ा साइए, आपका सुनना देना चाहूंगा। इतवारी राम साहू जी, तो आप क्या देख रहे हैं अंकल जी, माहौल कुछ ही दिन बचे? माहौल कांग्रेस की है। जी जी, तो इस बार कितने मतलब रिकॉर्ड तोड़ से जीत पाएंगे? 75 पार। जैसे बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग में बीजेपी पूरा जीत है, इस बार पूरा जीत रहेंगे कि तुरंत वोट? नहीं नहीं, कांग्रेस पूरा 75 पार है इस बार। बस मुख्यमंत्री का कुछ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी फिर से रिपीट होंगे। ऐसा कुछ कारण क्या रहेगा? और कारण क्या है? वो विकास किए हैं, किसानों के हित में अभी भी घोषणा किए हैं। जी जी, कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे बोल के। पिछली बार भी जब घोषणा किए थे किसानों का बोनस के लिए बोले थे, और धान का जो मूल वृद्धि था उसको बढ़ाए, जब सत्ता शपथ ग्रहण के दिन ही उन्होंने घोषणा किए थे, उससे अच्छी सरकार और क्या चाहिए? अब इस बार तो भी दारू बनने के लिए कुछ बात नहीं किया, पिछले बार दारू बनने के लिए जो गंगाजल की कसम खाते बात चली थी, दारू पर ऐसा क्या रहेगा? देखिए दारू के बारे में क्या बोल, दारू तो खैर होगा, बंद होगा, लेकिन धीरे से बंद होगा। एकाएक बंद करने से तो आदमी वैसे मर जाएंगे ना, जो पीने वाले हैं। अभी आपने देखे होंगे सनातन धर्म को लेकर जो गठबंधन बनी है, कई प्रकार की टिप्पणी होती है, क्या आप उसको मानते हैं कि चुनावी मुद्दे में ऐसे सनातन पर धर्म उठाने पर ही? सबसे पहली बात तो भैया, चुनाव के समय में कभी भी धर्म को राजनीति में लाना ही नहीं चाहिए। जी जी। और जो लाते हैं तो उसका बाद में परिणाम भी भोगते हैं वो। तो आपने देखोगे ना सनातन धर्म को लेकर जो गठबंधन पार्टी बनी है, कई प्रकार के बात करते हैं हिंदू धर्म सनातन को लेकर, उसके लिए आप क्या कहेंगे? अब उसके लिए क्या, भैया हिंदू तो हम भी हैं। हाँ हाँ, बीजेपी भी हिंदू है, कांग्रेस भी हिंदू है, कम्युनिस्ट भी हिंदू है, सब हर पार्टी में हिंदू है। हाँ। अब हर अगर एक पार्टी अगर बोलेगी हम ही हिंदू तो गलत है ना ऐसा कहना। तो जो धर्म को लेकर टारगेट करते हैं उसके लिए क्या कहेंगे? धर्म को लेकर जो टारगेट करते हैं वैसा तो नहीं करना चाहिए, और जो उसके आड़ में जो राजनीति करते हैं उनके हश्र भी धीरे धीरे स्वाह होते जाएगा। जी भैया बताए। ये अभी क्या अभी मैं हमारे कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूँ, जी जी, गरीबों का विकास हुआ है। हाँ हाँ। और पिछड़ों का विकास हुआ है। जी जी।
इन लोग को मालूम है पूरे 5 साल तक पूरे प्रधानमंत्री आवास ये लोग बंद करके रखे हैं। वो ये लोग क्या है अभी चुनाव में डर के मारे पूरे आवास घोषणा दिए किए हैं। अच्छा, और रही बात इन लोग वही क्या वो एआईएनडीआई इनके इनकी स्टाइलिंग क्या बोलते सरादर क्या दुनिया भर का बीमारी का उसको मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। और जिसमें हमारा जो हक का पैसा है डीएमएफ का पैसा साल में टैक्स के रूप में आता है उसको भी ये लोग बंदर काट करने का काम किए हैं। और रिपेयरिंग बार बार पोताई करके पैसा निकालने का काम किए। और वो अपना जैविक खाद के नाम से वो मिट्टी डाल के लोग बेच रहे हैं। और हम लोग बिल्कुल और कहीं ना कहीं ये लोग युवाओं को भी ठगने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया है। यहाँ के जो जितने पहली बार इतिहास में आपने देखा है कि वार्ड पंच और सरपंच एक बार हड़ताल में आए थे। हाँ, आए थे जी जी जी। इनको ये लोग अभी बोल रहे घोषणा की है, ये लोग घोषणा करके झूठ बोलने का काम करते हैं। जी जी जी। झूठ बोल के शासन करने की नीति काम कर रहे हैं। हाँ, और इनके राज्य में अभी कई सरपंच पंच हैं। हाँ, ये लोग खुला भ्रष्टाचार 25% कमीशन मांगते हैं। अच्छा, हाँ, हाँ। एक कमीशन खोर सरकार। हाँ, बिल्कुल अब की बार जाएगी। जी जी। भाजपा जीतेगी। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हर हर गरीब का विकास होगा। हर गांव सड़क नहीं पहुंचा है, यहाँ स्कूल के गुरुजी तक सरकार से टाइप है इनके, स्कूल तक नहीं जाते हैं, वो ले दे इधर उधर करके वो सहायक शिक्षक हम लोग ने वो किया है। तो ये लोग जो कांग्रेस के लोग हैं, हाँ, ये हम आपको भी मालूम है कि हम सीट जीत रहे हैं दंतेवाड़ा सीट। हाँ, हाँ, बिल्कुल कमल खिलेगी। हाँ, हाँ, और परिवर्तन की यात्रा की शुरुआत दंतेवाड़ा से हुई। जी, जी, और विजय यात्रा की शुरुआत भी दंतेवाड़ा से होगी। हाँ, हाँ, ये मेरा पक्का विश्वास है और जनता जनार्दन के प्रति मेरा जी पक्का विश्वास है। जो बस्तर संभाग है, सरगुजा संभाग, यहीं से सरकार की एक चुनौती बनती है, मतलब कोई सीट नहीं है अभी, देख रहे हैं 25 हो गई है, तो इस बार ऐसे क्या लग रहा है कुछ सीट में कुछ बढ़ोतरी? जी बिल्कुल, हम यहाँ बस्तर में तो 12 के 12 सीट निकालेंगे। अच्छा, हाँ, हाँ, ऐसा विश्वास है हमारा। जी, 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 क्योंकि हमने 15 साल काम किया है। हाँ, हाँ, इन लोगों ने झूठ बोल के जी, जी, लोगों को ये शराब घोटाला करके, हाँ, हाँ, कभी RBI से तो कोई वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले लेके इनके लोगों को भ्रष्टाचार यानी चुनावी फंड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, जी, अभी आनंद फानंद मुझे लगता है कि आनंद फानंद लोगों को पैसा में खरीदने का प्रयास इन लोग करेंगे। और ये लोग 5 साल में एक बार खरीदेंगे, दोबारा नजर नहीं आएंगे इन लोग, केवल काफी लोग नजर आएंगे। हाँ, और लोगों को काम नहीं देंगे। जी, जी, और यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों को भी 20 से 25% की डिमांड, ये खुला डिमांड आती है। हाँ, हाँ, ये ऐसा भ्रष्ट। और हमारे भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में कोई भी वार्ड पंच जाता रहा, पंच जाता रहा, उनकी समस्या का निदान एक IAS अधिकारी जो कलेक्टर है ना, हाँ, वो बैठे बैठे कर देता था। जी, जी, अभी नहीं, मंत्री जी का ये उसका आदमी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सांसद का, ये दुनिया भर का लेटर पेड। हाँ, हाँ, कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का एक मकड़ जाल बना के रखे हैं। जी, जी, ये अन्याय है। हाँ, हाँ, और उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी। जी, और भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में पुनः बनने जा रही है। थैंक यू भैया।